Mr. Akshay Kumar. Yes, please. Welcome. Thank you, sir. Please be seated. Thank you so much. Yes, please, please be seated. You can choose whichever one. Sing is king. All right. So, ladies and gentlemen, with that, since we have the king here, who's also a part of the amazing causes that he supports, and a wonderful human being, of course, we are going to have, I would like to invite Mr. Om Prakash Tiwari from Jagran, who's going to conduct the session. So let's welcome, sir, with a huge round of applause as well. मुझे लगता है जोरदार तालियों से एक बार तो स्वागत हो ही जाए. Over to you, sirs. अक्षय जी, पहले तो इस समिट में हम आपका स्वागत करते हैं. दैनिक जागरण की तरफ से भी हम आपका स्वागत करते हैं. हम अपने मूल विषय पर आए, बातचीत शुरू करें. उससे पहले, क्योंकि हम एक आप एक पवित्र काम में लगे हुए हैं, मतलब देश को साफ करना, पवित्र करना, तो इसी तरह के एक पवित्र काम में एम्बेसडर हैं स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, जो गंगा स्वच्छता अभियान में लगे हुए हैं, गंगोत्री से गंगा सागर तक. तो हमारी बातचीत की शुरुआत से पहले वो आपको कुछ आशीर्वाद देना चाहते हैं. इस स्वच्छता स्वरूप मैं आमंत्रित करना चाहूँगा गंगोत्री का जल लेकर के, वो आपके लिए विशेष तौर पे आए हुए हैं. स्वामी जी, स्वागत है. स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, गंगोत्री का जल आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर रहे हैं अक्षय जी को. धन्यवाद स्वामी जी. तो शुरुआत करें अक्षय जी. अक्षय जी, आपकी आप फिल्म पर्सनालिटी हैं और आपकी जो फिल्में रही हैं वो ज़्यादातर एक्शन की फिल्में रहा करती रही हैं. ऐसा क्या मोड़ आया कि आपको भारत स्वच्छता अभियान, इसमें रुचि नज़र आई और आप
इस दिशा में आगे बढ़े? जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब यहाँ आए और मुझे मौका मिला इतने बड़े मंच पे आके लोगों से बात करने का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जी हाँ बिल्कुल, मैं पहले एक्शन फिल्में बहुत किया करता था क्योंकि मुझे और कुछ आता भी नहीं था। और मैं करीबन 12 या 13 साल मैंने एक्शन ही किया है। थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बता दीजिए आप। किस बारे में बैकग्राउंड? जो आपका एक्शन का है। जो एक्शन का बैकग्राउंड ऐसा है कि मैंने बैंकॉक में अपना करियर शुरू किया था एक्शन को लेके। मैं करीबन 5 साल उधर थाई बॉक्सिंग करता था। उसके बाद मैंने सोच लिया था, दिमाग में ये बात लगा ली थी कि मैं बॉम्बे में आके, तभी बॉम्बे था अब मुंबई है, कि मैं मुंबई में आके यहाँ स्कूल खोलूँगा, यहाँ मार्शल आर्ट लोगों को सिखाऊँगा। लेकिन करते करते, अब ये कथा तो बहुत लंबी है कि मैं कैसे कैसे करते करते अपने इस इंडस्ट्री के अंदर आया, बट ये ज़रूर कहूँगा कि इस इंडस्ट्री के अंदर मुझे लाने वाला एक ही चीज़ था, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, और वो है पैसा। मैं पैसा कमाने के चक्कर में आया था यहाँ, पैसे कमाना चाहता था मैं। जो कि मैंने, मेरे साथ एक हादसा हुआ कि मैं जब मार्शल आर्ट सिखाता था लोगों को तो मुझे 5,000 रुपये महीना मिलते थे। और जब 5,000 महीना मिलता था तो मैं खुश था उसमें। लेकिन उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि जनाब, मुझे किसी ने कहा कि यार तू मॉडलिंग क्यों नहीं करता। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मॉडलिंग करके देख लेते हैं क्या है। तो मैं गया मॉडलिंग करने के लिए, मुझे एक फर्नीचर शोरूम के लिए बुलाया गया था मॉडलिंग के लिए। तो मुझे वहाँ बिठाया गया, AC फर्स्ट क्लास रूम था। एक अच्छी सी मॉडल आई, बहुत सुंदर महिला आई, वो मेरे साथ बैठी, मेरे साथ उसने पोज वोज दिए, यहाँ देखा वहाँ देखा ऊपर नीचे ऐसे, और पोज वोज दिए। और जी जनाब, 2 घंटे के अंदर मुझे 21,000 रुपये मिल गए। तो वो जी, अब आप सभी हिसाब लगा लीजिए कि एक इंसान पूरे महीने काम करता है, उसे 5,000 रुपये मिलते हैं, और ये मैंने सिर्फ 2 घंटे, मैंने सिर्फ यहाँ वहाँ देखा और 21,000 कमाए। तो मैंने सोचा यार इससे बढ़िया जगह क्या हो सकती है। तो मैंने 21,000 लेके फिर मैंने कहा जी मॉडलिंग करूँगा मैं। और आप विश्वास करेंगे, मॉडलिंग करते 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 मैं फिल्मों में आया। फिल्मों में आते आते मैं फिर जो चीज़ आती थी मुझे, वो मार्शल आर्ट। और मैंने करीबन आज तक मैंने करीबन 135 फिल्में कर ली हैं, 140 फिल्में की हैं, जिसके अंदर मैंने करीबन बिगनिंग के जो हैं, मेरी सारी फिल्में एक्शन को लेकर ही थी। और कोई प्रोड्यूसर कोई डायरेक्टर मुझे ऐसे देखता भी नहीं था, यार इससे एक्टिंग तो होगी नहीं और इसको कुछ आएगा नहीं, इसको इससे एक्शन ही करवा लो। और मैं करते करते फिर आहिस्ते आहिस्ते मैं कॉमेडी में आया। फिर उसके बाद मैंने रोमांटिक फिल्में की, वो अलग बात है क्या 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 हुआ था। लेकिन करते करते जनाब, ये जो इस मिशन की अगर मैं बात करूँ, इस सोशल मैसेज की अगर मैं बात करूँ, तो एक दिन मैंने एक कथा पढ़ी कि एक महिला जो है उसे विलेज से, उसे गांव से निकाला गया है क्योंकि उसने अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दिया, क्योंकि उसके डिवोर्स के मतलब उसके हस्बैंड के पास घर में शौचालय नहीं था। तो ये बात जो है मुझे बड़ी मतलब कमाल की लगी कि क्योंकि शौचालय का होना, टॉयलेट का होना घर में एक बहुत ज़रूरी बात है सबके लिए। ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि लोग ऐसा क्या समझते हैं कि बाहर जाके शौच करते हैं, मतलब ऐसी क्या कारण है। लेकिन खैर जो भी है वो बाद में हम बात करेंगे उस पर। लेकिन ऐसा करते करते मैंने इसके बारे में और जानकारी ली, और उसके जानकारी लेते लेते मैंने कहा कि इस पर मैं फिल्म बनाना चाहूँगा। और मेरे पास एक स्क्रिप्ट तभी आई इसके ऊपर एक स्क्रिप्ट आई। और ये स्क्रिप्ट आपको बताऊँ, टॉयलेट एक प्रेम कथा, एक ऐसी स्क्रिप्ट थी जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर करीबन 4 साल से कई एक्टरों के पास गई और वो नाम सुनते ही मना कर देते थे या इस फिल्म के ऊपर लेके काम नहीं करना चाहते थे। लेकिन मुझे ये फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी और वहाँ से मेरा एक मोड़ शुरू हुआ कि मैं ऐसी फिल्में बनाना चाहूँगा। और प्लस
साथ में ये भी कहूंगा कि यस मैम यस मैम यस मैम इंग्लिश में बोल देंगे लेकिन अब हम फिलहाल जितना भी मैं कोशिश कर रहा हूँ इन्होंने मुझसे हिंदी में पूछा है मैं ओके आई ट्राई ओके आई डू वन थिंग आई रिवर्स बैक शुड आई ट्रांसलेट एवरीथिंग मैम यस मैम इट्स गोइंग टू बी अ हार्ड बिकॉज 80% पीपल विल अंडरस्टैंड हिंदी एंड 20% बट सो आई हैव टू केटर टू 20% ऑलराइट मैम So, to go back again, should I start again, sir? No. आप जहाँ तक पहुँच गए उसके बाद start करिए. Okay, so my journey has been like I started my life, my career from being a waiter from Bangkok, and then I became an actor. It's quite a long journey. I started my career when I was 14 years old, and I was learning martial art there. And it's a long, very long story. So, हाँ जी आप क्या पूछ रहे थे मुझे बताइए मैं भी चला गया हूँ कहीं और कि आप कैसे इस दिशा में ये जो सोशल मैसेज की फिल्म थी टॉयलेट एक प्रेम कथा उस तरफ खिलाड़ी से एक खिलाड़ी कैसे उधर मूव हुआ बिकॉज़ देखिए मैं आपको बताऊँ कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी उन्होंने आई थिंक हमें से आई वॉज अमेज टू सी ही इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु केम एट रेड फोर्ट ऑन द फर्स्ट ईयर व्हेन ही वॉज देयर एंड ही स्पोक अबाउट क्लेनलीनेस ही स्पोक अबाउट टॉयलेट स्वच्छता के बारे में बात की उन्होंने एंड ही वॉन्टेड टू जहाँ उन्होंने ये शुरुआत की स्वच्छ भारत की And I was और उसके बाद मैंने ये भी देखा कि the facts and figures have changed drastically. Like 67 years of our independence and we had only 39% of open defecation. And now, after this whole thing which has come, after the Prime Minister has spoken about it and started this thing, the whole thing has changed to, I'm proudly saying it has become to 95%. And that has happened in just 4 years span. I have never come across anybody who is so much, he talks about cleanliness in so much passion. So mujhe garv hua is baat ka. And meri ye jo film hai, Toilet Ek Prem Katha, it has just been a choti si film hai, jo main is mission ke liye maine ye film banai thi, and I'm proud to do that, and that's it. एंड और भी बहुत सारे फिगर एंड फैक्ट्स है जैसे कि 5.5 लाख विलेजेस 530 डिस्ट्रिक्ट 25 स्टेट्स टेरिटरीज हैव बीन ऑल डिक्लेयर्ड देव बीन डिक्लेयर्ड ODF एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं सर इसलिए मैं इस सब चीज़ों में आया सर जब ये फिल्म रिलीज हुई अच्छा जी मैं भी गाँव से हूँ एक्चुअली मैं 25 साल से रह तो रहा हूँ मुंबई में लेकिन वो जो लोटा पार्टी आपने अपनी फिल्म में एक टर्म दिया है ना मैं भी उसका मेंबर रहा हूँ अच्छा हाँ बाकायदे और जब बारिश हो जाती है सर और बारिश के बाद जब पानी मेड़ के बराबर आ जाता है उस समय की कल्पना आप कर सकते हैं कि वो हम खेत में जाएं या जान दे दें दोनों में से कौन सा विकल्प आसान होता है वो कहाँ नहीं जा सकता है तो ये जो फिल्म जब रिलीज होकर के आई प्रधानमंत्री तो 4 साल से बोल रहे हैं और उसका असर भी हो रहा है लेकिन एक जो फिल्म के माध्यम से सोशल मैसेज दिया गया उसके रिएक्शंस क्या है आपके पास उसके रिएक्शंस क्या हुआ है जी उसके रिएक्शंस बहुत अच्छे रहे हैं आई पर्सनली बिलीव दैट देयर इज नो पॉइंट ऑफ मेकिंग डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स मैंने कई बार देखा है कई विलेजेस में देखा है सॉरी टू से दैट बट नोबडी रिएक्ट्स टू दैट पीपल लाइक टू सी अ कमर्शियल फिल्म एंड आई थिंक आई एम अ वेरी लकी पर्सन जिसको एक मौका मिला है कि I'm in a place which is called cinema, a film industry, where I can do commercial cinema and give them the social message in a very different way, in a very
I have seen it. I'm so proud to say my film has been shown in every village by this government. They've shown this film completely, and I would also want this government to show my film Padman also. I know it's the biggest taboo subject, talking about sanitary pads. It's a very taboo subject in my country. But I'm sure, and I will keep on working towards it and make sure that this film has, Padman also has been seen by everybody. It's a thing that, dekhiye, main aapko batau, jab meri Padman release hui thi, kareeban 2500 cinema mein dikhai gayi thi. Prasun ji, sirf 2500 cinema mein dikhai gayi thi. Aur abhi yehi film China mein release hone wali hai aur 40,000 screens mein dikhai ja rahi hai. Oh, gazab. 40,000, so main apne desh se aur apne sarkar se yehi darkhwast karunga ki jitni ho sake sanitary pad jitne schoolon mein ho, Padman jo film hai ye dikhai jaye. Trust me, ye isliye main nahi keh raha hu ki ye meri film hai, main isliye keh raha hu kyunki ye film se farak padega. Main janta hu is film se farak padega, Padman film se farak padega. Free of cost dikhai jaye, bachchon ko dikhai jaye. It is a compulsory thing. It's a very honest film which we made, me and my wife have made along with Balki, and I would just hope that one day it becomes a compulsory thing for every children to watch this film. That's it. Abhi isse pehle aapne kaha ki azadi ko 70 saal ho gaye sir, aur ye pehle pradhanmantri hain jinhone is tarah ka call diya hai. Kalpana kariye ki 70 saal pehle kisi ne ye call de diya hota to aaj aapko film banane ki naubat hi nahi aati. Nahi, call to Mahatma Gandhi ji ne bhi diya tha. Kya bola? उन्होंने कहा था कि बिल्कुल यही कहा था कि सैनिटेशन, मुझे अभी भी याद, उन्होंने कहा था कि सैनिटेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन इंडिपेंडेंस फॉर आवर कंट्री. मतलब स्वच्छता बहुत ज़रूरी है. एंड वो कॉल कभी नहीं भूल सकते हैं. तो ऐसा तो कॉल तो कह दिया था, लेकिन बस यही है कि हमारे यहाँ जो माइंड सेट है, शौचालय भी, मतलब हमारी सरकार शौचालय बना तो रही है, बहुत बना रही है. 8.8 करोड़ ऑफ शौचालय बना चुकी है अब तक. लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है माइंडसेट. मैं हाल ही में, मैं जू बीच में रहता हूँ और मेरे राइट साइड पे एक स्लम है. तो मैं सुबह सुबह घूम रहा था तो मैंने एक आदमी को देखा, वो समुद्र किनारे पे शौच कर रहा था. तो मैंने उसको पकड़ लिया, मैंने उसको बोला, भाई ये क्यों कर रहा तू, क्या तेरे वहाँ शौचालय नहीं बनाया? कहता, नहीं साहब है, शौचालय तो है. मतलब फिर तू इधर क्यों? कहता है, कहता खुले में मज़ा आता है. मैं, बेटा तेरे मज़े में पता कितनी बीमारियां यहाँ फैलेंगी, तू मज़े लेके चले जाएगा, लेकिन बीमारियां कितनी आएंगी वो पता है. उसको फिर मतलब समझा. बेसिकली यही मैं कहना चाहता हूँ कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टीच देम. शौचालय तो हम बना रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारी जो सरकार है वो स्कूल्स भी बनाए इनको क्लेनिनेस के बारे में, जो हार्पिक इस वक्त कर रही है. हार्पिक इज मेड स्कूल्स आल्सो वेट दे टीच अबाउट क्लेनिनेस, दे टीच हाउ टू क्लीन योर टॉयलेट. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टीच देम हाउ टू क्लीन योर टॉयलेट, बिकॉज टॉयलेट का क्लीन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. मतलब मैंने देखा है कि कई लोग अपने घर में टॉयलेट क्या करते हैं, टॉयलेट घर के हल्का सा भार बनाते हैं. और पूछा गया है क्यों, तो कहते हैं कि यार इससे बीमारियां फैलती हैं. अगर टॉयलेट का, शौचालय का घर के अंदर रहना, मतलब बीमारियां फैलेगी. मैंने बोला, बेटे उस हिसाब से तो मेरे घर में 3 टॉयलेट है, मुझे तो बीमारी से मर जाना चाहिए था अब तक. सो ये चीज़ उनको समझानी पड़ेगी, जितना हम हो सके समझाएं. मैं, यहाँ मीडिया है, मीडिया सिटिंग हेयर, मैं यही उनसे भी दरख्वास्त करूँगा, इसके बारे में जितना हो सके लिखें, बताएं लोगों को कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट, कि शौचालय बनाना इम्पॉर्टेंट है, जितना इम्पॉर्टेंट है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है क्लीन रखना उसको. शौचालय को क्लीन रखना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अच्छा, ये आपने भी मानसिकता की बात की ना, कि एक मेंटेलिटी बनी हुई है कि हाँ हमको मज़ा नहीं आता, तो इस मेंटेलिटी को चेंज करने में करना बड़ों का ज़्यादा आसान है या बच्चों का ज़्यादा आसान है, उसके लिए क्या करना चाहिए? बच्चों का आसान है. उनको देखिए, एजुकेशन, ये तो सभी जानते हैं, एजुकेशन से काफ़ी कुछ चेंज हो सकता है.
स्कूलों में टीचर क्लेनलीनेस के बारे में पढ़ाते हैं. मैंने तो अब आजकल देखा है कि बच्चे जो हैं वो माँ बाप का हाथ पकड़ते हैं, डैड मम्मा ये सही नहीं है, पानी बंद रखा करो, नल बंद रखा करो. ये मैं देखता हूँ और ये उसी लिए होता है क्योंकि उनको एजुकेशन मिली जाती है. और आई थिंक हमें से एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमारे कंट्री में ये क्लेनलीनेस कोई काम में आएगा. अच्छा, ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट, फिर मैं उसी में आऊँगा कि वर्तमान सरकार जिस तरह से अपने आने के बाद से ही इस दिशा में काम कर रही है और स्वच्छ भारत स्वच्छता मिशन को लेकर के चली है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसमें ये परफेक्ट चल रहा है या इसमें कुछ और जोड़ा जाना चाहिए? नहीं नहीं, काफ़ी कुछ परफेक्ट चल रहा है. बस उनसे मैं यही कहूँगा कि ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि लोगों को बताएं, प्लीज़ टीच देम, जस्ट डोंट मेक टॉयलेट्स. धनाधन टॉयलेट बनाइए ठीक है, लेकिन ऑल्सो टीच देम, ट्रेन देम कि हाउ टू कीप योर टॉयलेट क्लीन. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. दैट इज़ वेयर एक छोटी सी पोइट्री मतलब इस पर लिखी थी हिंदी में, तो ये मैं चाहूँगा कि मैं पढ़ देता हूँ आपको अगर आपकी इजाज़त हो. श्योर श्योर, बिल्कुल. सो सामने प्रसून जी बैठे हुए हैं, वो करेक्ट करेंगे. प्रसून जी बैठे हुए, वो करेक्शन कर देंगे. प्रसून जी, जितनी अच्छी हिंदी नहीं लिखी मैंने. मैं ये, खैर मैंने भी नहीं लिखी है, ये हमारा हार्पिक का मोटो रहा है. तो मैं क्या लिखा है जी, शौचालय तो आपने बनवाया पर उसे दिल से नहीं अपनाया, कभी ठीक से उसका ख्याल नहीं रखा, बस घर की सौतेली मान पर बस घर का सौतेला मान कर छोड़ दिया, उसे देखकर मुंह बनाते हैं, उसका नाम लेते हुए शर्माते हैं. और बहाना क्या कि बीमारी ये फैलाता है, गंदा नजर आता है. अरे जब नहीं करोगे उसे साफ, औपचारिकता मानकर छोड़ोगे, तभी तो उठाती उसे छोड़ोगे तभी तो है गंदगी का डर, तभी तो उठाती है बीमारियों सर पर. अगर टॉयलेट का हम अपन, एक मिनट जरा पढ़ना, मेरी आंखों में कुछ गया. पानी नहीं, नहीं कोई बात नहीं, कुछ धूल गई है, यहां से पढ़ लेता. मैं पूरा ही पढ़ देता हूँ. शौचालय तो आपने बनवाया पर उसे दिल से नहीं अपनाया, कभी ठीक से उसका ख्याल नहीं किया, बस घर का सौतेला मानकर छोड़ दिया, उसे देखकर मुंह बनाते हैं, उसका नाम लेते हुए शर्माते हैं. और बहाना क्या कि बीमारी ये फैलाता है, गंदा नजर आता है. अरे जब नहीं करोगे उसे साफ, औपचारिकता मानकर छोड़ोगे, तभी तो है गंदगी का डर, तभी तो उठाती हैं बीमारियां सर पर. अगर टॉयलेट को हम अपनाएंगे, कौन करेगा साफ ये सोचकर नहीं घबराएंगे, उसे सौतेला नहीं घर का सच्चा हिस्सा बनाएंगे, तो टॉयलेट भी हमारी शान बनेगा, हमारी सेहत का रखवाला बनेगा. टॉयलेट का थोड़ा ख्याल हम रखेंगे, टॉयलेट भी हमारा ख्याल रखेगा. अच्छा जी, बड़ी एक बात बड़ी अच्छी लगी कि आपने ये स्क्रिप्ट हिंदी में मंगवाई, मतलब देवनागरी में. जनरली आपकी इंडस्ट्री में होता यह है कि फिल्में हिंदी की करते हैं और स्क्रिप्ट हिंदी की, अंग्रेजी में. मैं हिंदी में ही पढ़ लेता हूँ. लेकिन फिलहाल सॉरी, मेरी आंखों में कुछ चला गया. नहीं नहीं, मैं पढ़ नहीं पाया. अच्छा, एक ये जो गंदगी, इसमें इस कविता में जो बात आई कि उसको गंदा मान